दिल्ली पुलिस के मुताबिक शास्त्री पार्क के इलाके में दो नाबालिग लड़कों ने एक रिक्शा चालक की हत्या कर दी है और उसका मोबाइल फोन लूट लिया। ये वारदात 15 सितंबर की बताई जा रही है, रात लगभग 8 बजे की, जब आरोपी ने मृतक अब्दुल यकूम का फोन लूटने की कोशिश की। जब मृतक ने विरोध किया तो आरोपियों ने उसे चाकू से मार दिया। पुलिस ने दो आरोपियों को पकड़ा है जो दोनों नाबालिग हैं और शास्त्री पार्क के निवासी हैं। ये वारदात मोबाइल फोन लूटने की कोशिश के दौरान हुई थी। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और जांच जारी है। सर, कानून व्यवस्था के मामले से देखा जाए तो यहाँ कोई कानून व्यवस्था इतनी मजबूत है नहीं जो होनी चाहिए। क्या जानकारी मिली थी, आज क्या हुआ है? जानकारी ये मिली थी कि जी हम जब आए थे यहाँ तो आने से पहले मिली थी कि यहाँ कुछ दिक्कत हुई है। हम आए तो ये देखा, ये हुआ पता है जी, ये किसने करा ये हम नहीं आए। अच्छा, आप क्या करते हैं यहाँ पर? ये फ्लाई ओवर में ड्यूटी करते हैं। दिन वाले ने बताया कि दिन में हत्या नहीं हुई है, कि दिन में बोला कुछ दिक्कत हुई है, आगे मशीन चल रही थी, बोला यहाँ हुआ है कुछ ना कुछ, बोला भीड़ लग रही थी आगे। तो हम लोग आए, अभी देखा आपके सामने जो भी है वो आप देख रहे हैं, हम भी देख रहे हैं। भाई कौन से इलाका है ये? शास्त्री पार्क है ये। क्या आशंका लगाई जा रही है लूट पाट की वजह? क्योंकि टॉप स्टोरी ब्यूरो के लिए दिल्ली से रवि डालमिया की रिपोर्ट।